नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात करें फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि अभी तक तो 9 भी रिलीज़ नहीं हुई है। जी हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 तो अब 2 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है, जिसको हॉब्स एंड शॉ भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म में हॉब्स और शॉ जो दोनों होते हैं, जो एक पुलिस वाले हॉब्स जिसका किरदार रॉक निभाते हैं, और शॉ जो एक उनका दुश्मन रहा होता है और एक विलन का किरदार उन्होंने पिछली फिल्मों में किया होता है, उसको जेसन स्टैथम निभाने वाले हैं। तो ये दोनों मिलके एक मिशन पर जाते हैं और उस मिशन को अंजाम देते हैं। खैर, ये फिल्म तो फास्ट एंड फ्यूरियस की एक सीरीज़ ही कही जा रही है, पर ये फास्ट एंड फ्यूरियस से थोड़ी अलग हो, क्योंकि इसके अंदर बाकी कास्ट है वो नज़र नहीं आने वाली है। खैर, अब आते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पर। आप सोच रहे होंगे फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर क्या अपडेट है, तो फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर मैं आपको बता दूं कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर ये कहा जा रहा है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की जो स्टार कास्ट होगी उसको जॉन सीना ज्वाइन करेंगे। जी, जॉन सीना जो WWE के सुपरस्टार हैं, WWE में रेसलमेनिया में लड़ाई करते हुए आपको दिख जाते हैं, वो अब फास्ट एंड फ्यूरियस के 10वें हिस्से में आपको नजर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद जो इस फिल्म के मेन लीड और मेन जिस मूवी के कैरेक्टर कहे जाते हैं विन डीजल, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें देखा जाता है कि जो जॉन सीना है वो इनकी स्टार कास्ट को ज्वाइन करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के लिए। फिलहाल फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की रिलीज डेट या फिल्म कब बनेगी और कब बनकर सामने आएगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो सारे जो फोकस है फास्ट एंड फ्यूरियस 9 पे है, जिसको हॉब्स एंड शॉ भी कहा जा रहा है। फिल्म 2 अगस्त 2019 को रिलीज होने जा रही है। अब इसके बाद पता चलेगा कि जो फिल्म आएगी फास्ट एंड फ्यूरियस 10, इसके अंदर जॉन सीना नज़र आते हैं तो कैसे आते हैं, किसको रिप्लेस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो फिल्म का एक अहम किरदार था पॉल वॉकर का, उनको रिप्लेस करते हुए नज़र आएंगे जॉन सीना, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पॉल वॉकर थे वो रियलिटी में मर चुके हैं। तो वहीं अब फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में जो उनकी जगह खाली है उसको शायद भरते हुए नज़र आएंगे जॉन सीना। खैर, तो समय बताएगा, जब फिल्म आएगी तब ये पता चलेगा कि जॉन सीना क्या रोल होने वाला है और इस फिल्म में वो क्या करते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म को लेकर हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।